हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का ओनी मॉम लाइफ स्टाइल में स्वागत है। आज मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूं, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी इसका रेसिपी शेयर कर दूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे गाजर का हलवा मैंने आज बनाया। मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, गाजर का क्रश करके मैंने ले लिया है। ये ले लिया है नारियल, बारीक बारीक काट के, लंबा लंबा अच्छा लगता है। और काजू ले लिया है, बादाम ले लिया है और इलायची ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। और 1 कप मिल्क ले लिया है और चीनी ले लिया है और एक ग्रेट किया हुआ मोटा मोटा गाजर ले लिया है। मेरे पास 2 कलर का था, इसीलिए 2 कलर आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, बस उसमें घी डालना है। मैंने घी डाल दिया इसमें, और घी डाल के घी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें गाजर ग्रेट किया हुआ डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें ऐड करने के बाद फिर इसको थोड़ा चलाते रहेंगे जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। फिर उसको चलाने के बाद शुरुआत में तो इसका फ्लेम जो गैस का है थोड़ा फुल करके रखना है, क्योंकि उसमें गाजर ऐड किया हुआ है तो थोड़ा ठंडा हो गया है, इसीलिए फुल करके रखना है। लेकिन लास्ट तक मीडियम टू लो पे ही हमें करके रखना है। और इसको हम ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम ढक देंगे मीडियम टू लो पे, और ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कहीं नीचे पकड़ तो नहीं लिया है। तो फिर इसके बाद 2-3 मिनट बाद मैंने देखा, तो फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें दूध ऐड करेंगे तो फिर इसका खोया बन जाएगा साथ साथ में ही, वो भी पक जाएगा और दूध का खोया भी बन जाएगा। तो मैंने इसमें 1/2 कप और दूध ऐड कर दिया। टोटल मैंने 1.5 कप दूध ऐड किया इसमें, गिलास में, यानी वही आप जो देख रहे हैं मैंने इतना ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, और भी ज़्यादा आप जितना ऐड करोगे वो तो जल के मावा बन जाएगा। और अगर आपके पास दूध ना मावा हो तो और भी अच्छा, आप मावा ही ऐड कर सकते हो इसमें। और इसको थोड़ी देर के लिए दूध डालने के बाद ढक देंगे, और ज़्यादा टाइम तक नहीं, थोड़ा वो बॉयल होने लगे तो हटा लेंगे लिड, क्योंकि इसमें दूध है तो बह सकता है इसमें से। तो अभी देखिए ये बॉयल हो रहा है, मैंने लिड हटा दिया है। अब लिड नहीं लगाएंगे इसमें अभी, जब तक ये दूध जो है मावा बन जाएगा, धीरे धीरे सब सूख जाएगा दूध और मावा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसको ध्यान देते रहेंगे, धीरे धीरे ये सूख जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि हाँ ये पक गया है। अगर जब पक जाएगा तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। अभी इधर हम चेक कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, टाइट लग रहा है, तो इसे एकदम अच्छे से मैश हो जाए हाथ से दबाने पे, तब हम चीनी ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैंने दोबारा चेक किया था तो अच्छे से ये मैश हो जा रहा था हाथ से, तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया। वैसे तो इसमें चीनी थोड़ा कम ही डालो तो अच्छा होता है, और मैंने डाल दिया है इसमें चीनी। अब इलायची है, इसको कूट लेते हैं, इलायची का पाउडर बना लेते हैं। और इधर मैं इलायची
कोट लिया है मैंने, और इसका जो छिलका है इसको ऐसे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, और इसको हम चाय में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके छिलके को। हाथ से मैं रगड़ रगड़ के निकाल के अभी मैंने इसमें इलायची डाल दिया है, और इसमें इलायची डाल दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास जो था मैंने वो ऐड कर दिया, आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। रियली देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सच में खाने में भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत यम्मी था। देखिए इसका सारा जो मैंने दूध डाला था सब मावा में बदल गया है, और बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी लग रहा था। कलर भी कितना प्यारा सा लग रहा है ना, ऑरेंज कलर। अभी हमारा बन के रेडी हो गया है गर्मा गर्म, अब आप लोग भी खा लीजिए। अभी तो हम अब इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे। रियली बहुत टेस्टी बना हुआ था, अब आप लोग भी बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। मैंने तो बना लिया गाजर का हलवा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।